हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट्स एंड बोल्ट। दोस्तों, आप जानते हैं रिवेट्स क्या होते हैं और बोल्ट्स क्या होते हैं। अब हम इन दोनों के लिए कुछ मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है जो कि IS कोड के द्वारा हमको दी गई है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ फ्रेंड्स। गेट एग्ज़ाम आ चुका है, डेट अनाउंस हो चुकी है और जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की है वो अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। हर एक टॉपिक से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस को एक फाइनल रिविज़न दे देगा। दोस्तों, ये टेस्ट आपको हर संडे देखने को मिलेंगे। जनवरी मंथ के हर संडे इन टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के क्या फीचर्स है, क्या क्वालिटीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा mohandangi10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों, और बात करें तो यहाँ पर टॉप एडुकेटर द्वारा यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि पूरे के पूरे जो सिलेबस है आपकी पर्टिकुलर ब्रांच का, उस सिलेबस को कवर करेंगे। साथ में जो रियल एग्ज़ाम जैसा माहौल होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एक साथ इन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। साथ में अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई जोन ऐसा है जहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो वो भी आप इस टेस्ट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। और जैसे ही टेस्ट होता है उसके बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, उनसे आप उस पर्टिकुलर वीक जोन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा mohandangi10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस की, किसके अंदर, रिवेट्स के अंदर। यहाँ पर हम किसी भी रिवेट के अंदर हमको तीन टाइप की स्ट्रेसेस देखने को मिलती है। एक होती है हमारी क्या, एक्सियल, एक होती है शियर और एक होती है बियरिंग। क्या बोले, किसी भी बोल्ट या फिर रिवेट के अंदर तीन टाइप की स्ट्रेसेस हमको देखने को मिलती है, ये बात आपको बखुदा पता है। अब हम बात करते हैं, इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि जो लिमिट्स है वो मैं आपको बता दूं, जिससे कि बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है वो आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पावर ड्रिवन के अंदर, ठीक है, पावर ड्रिवन नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा होगा, कोई एक्सटर्नल पावर की मदद से अगर किसी को हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको पावर ड्रिवन बोलेंगे। अब दोस्तों, पावर ड्रिवन के अंदर भी आपके दो टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होता है मेरे पास शॉप ड्रिवन, दूसरा मेरे पास होता है फील्ड के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर शॉप का मतलब क्या हुआ, शॉप मतलब लेब हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शॉप ड्रिवन की बात कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे ही रिविटिंग जो कि हमने शॉप के अंदर करी है उसको हम शॉप रिविट्स कह देंगे या शॉप रिविटिंग कह देंगे। और ऐसी रिविटिंग जो कि हम फील्ड पर कर रहे हैं किसी भी जगह पर, मान लो कि हम, मेरा घर कहीं यहाँ पर बन रहा है और मेरे को यहीं पर अगर रिविटिंग की ज़रूरत है और मैं यहीं पर रिविटिंग कर रहा हूँ तो उसको हम फील्ड रिविटिंग बोल देंगे, ठीक है। नाम से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, शॉप मतलब लैब के अंदर और फील्ड मतलब जहाँ पर भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो पावर ड्रिवन के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें शॉप रिविट्स की, तो शॉप रिविट्स की ये रेंज आपको ध्यान में रखना है। क्या रेंज है कि अगर शॉप रिविट्स के अंदर एक्सियल टेंशन हमारी 100 होती है, शियर टेंशन भी, शियर जो भी है वो भी हमारी 100 होती है और बियरिंग स्ट्रेस जो है हमारी 300 होती है। दोस्तों, ये मेगा पास्कल के अंदर जो यूनिट्स है और यहाँ पर जिस कोड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं वो कोड है IS 800-1984, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फील्ड रिविट्स की, ठीक है, फील्ड रिविट्स पे अगर आप बात कर रहे हैं तो फील्ड रिविट्स की जो स्ट्रेस है, फील्ड रिविट्स वाले जो जिस रिविट का हम फील्ड पर यूज़ लेंगे उसकी अगर बात करें तो उसकी एक्सियल टेंशन 90 होती है, ठीक है, और शियर टेंशन, शियर 90 होती है और वियरिंग स्ट्रेस भी 270 होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं रहनी। तो पहले दो इस रो को याद करने का तरीका ये है कि 100 100 और बियरिंग के लिए आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें जो हैंड ड्रिवन रिविट्स होते हैं, मतलब ऐसे रिविट्स जिनको हम हाथों की मदद से अप्लाई करते हैं, उनके लिए अगर बात करें जो स्ट्रेसेस है डिफरेंट, तो परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू है यहाँ पर, इट इज़ एक्सियल टेंशन के अंदर जो है वो है 80,
शीयर के अंदर 80 और बियरिंग के अंदर 250, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों थर्ड पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है कि क्लोज टॉलरेंस एंड टर्न बोल्ट्स, क्या बोला, क्लोज टॉलरेंस एंड टर्न बोल्ट है, इनके लिए जो लिमिट है वो ये है कि एक्सियल के लिए 120, शीयर में 100 और बियरिंग के अंदर कितनी 300, क्लियर है। तो जिसके अंदर हम बात करें अगर जो टर्न बोल्ट्स होते हैं, बोल्ट्स के लिए स्पेशली मेंशन किए गए जिसके अंदर क्लोज टॉलरेंस है, मतलब कि आसपास, ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं है जिनके पिच जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा पॉइंट जो कि क्या, बोल्ट इन क्लियरेंस होल, क्लियरेंस होल के अंदर जिन बोल्ट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनके जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है, दैट इज परमिसिबल स्ट्रेसेस की, वो 120 है एक्सियल के अंदर, शीयर के अंदर 80 है और बियरिंग के अंदर 250 है। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा, इस टेबल को आप याद रखिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में, इंटरव्यू वगैरह में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए शॉप रेबिट्स के लिए क्या एक्सियल टेंशन की वैल्यू होती है, तो आपका आंसर 100 होना चाहिए। बियरिंग के लिए क्या वैल्यू होती है फील्ड रिवेट्स की, तो उसके लिए 270 मेगापास्कल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।